दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 25 जून 2023 रविवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल, महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आ चुकी है। 8वीं 10वीं 12वीं पास, डिग्री और डिप्लोमा धारक कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट, आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत भी यहाँ पर बम्पर भर्ती की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 25 जून 2023 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एमपी पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। कॉन्स्टेबल जीडी की पोस्ट है। 7411 बम्पर वैकेंसीज निकली है। इसमें आप देख सकते हो कॉन्स्टेबल जीडी स्पेशल आर्म फोर्स मेल के लिए 2646 वैकेंसीज है और कॉन्स्टेबल जीडी एक्सेप्ट स्पेशल आर्म फोर्स मेल फीमेल के लिए 4444 वैकेंसीज है। कॉन्स्टेबल जीडी रेडियो ऑपरेटर टेक्निकल मेल फीमेल के लिए 321 वैकेंसीज निकली है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए कल से स्टार्ट होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 26 जून 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 जुलाई 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 10 जुलाई 2023 है। करेक्शन करने की लास्ट डेट 15 जुलाई 2023 है। एग्जाम डेट 12 अगस्त 2023 है। सैलरी 19,500 से 62,000 रुपये है प्रति माह के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कॉन्स्टेबल जीडी के लिए 8वीं पास और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 12वीं पास आईटीआई डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मेल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 36 वर्ष है, जबकि फीमेल के लिए 18 से 41 वर्ष है। फीस जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट के लिए 560 रुपये है। एसएसटी ओबीसी के लिए 310 रुपये है, जो कि आप कैश एट कियोस्क, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें आपका रिटर्न एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और मेडिकल टेस्ट के आधार पे। अप्लाई आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन कर सकते हो। मध्य प्रदेश एमपी जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से, मेल हो या फिर फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। esb.mp.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। जी हाँ दोस्तों, IPPB के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। वैकेंसी आप नोटिस से कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हो। बात अगर डेट की जाए तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 13 जून से चल रही है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 3 जुलाई 2023 है। सैलरी एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट आईटी के लिए 10 लाख रुपये प्रति वर्ष के लिए पर अनम के लिए यहाँ पर सैलरी है। एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट आईटी के लिए भी 15 लाख है पर अनम के लिए। एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट आईटी के लिए 25 लाख रुपये है पर अनम के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीटेक डिग्री और एमसीए से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट आईटी के लिए 24 से 40 वर्ष है। एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट आईटी के लिए 30 से 40 वर्ष है। एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट आईटी के लिए 35 से 45 वर्ष आयु सीमा है। फीस एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 150 रुपये है। बाकी की सभी कैटेगरी के लिए 750 रुपये फीस है। बिना एग्जाम बिना परीक्षा की भर्ती है। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। IPPBOnline.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है,
जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में, BTSC के अंतर्गत भर्ती निकली है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भर्ती है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आयुष फिजिशियन आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, आयुष फिजिशियन होम्योपैथिक, यूनानी मेडिकल ऑफिसर, आयुष फिजिशियन यूनानी की यहाँ पर पोस्ट निकली है। टोटल इसके लिए 3,270 बम्पर वैकेंसीज निकली है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज आप इसकी नोटिफिकेशन की PDF से चेकआउट कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए स्टार्ट हो चुकी है 22 जून 2023 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 1 जुलाई 2023 है। सैलरी 9,300 से 34,800 है लेवल 9 के अंतर्गत प्रति माह के लिए। BMS, BHMS, BUMS से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 37 मेल के लिए जबकि 21 से 40 फीमेल के लिए है। फीस जनरल OBC अदर स्टेट के लिए 200 रुपये है। SST PH वोमैन बिहार के हैं जो उनके लिए 50 रुपये है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। BTSC.BIH.NIC.IN और Pariksha.NIC.IN ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब है वो निकली हुई है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, कर्मचारी चयन आयोग JSSC के अंतर्गत भर्ती निकली हुई है। ट्रेनिंग ऑफिसर प्रशिक्षण अधिकारी की पोस्ट है। झारखंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JITOC 2023 एग्जाम के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। 930 वैकेंसी जिसके लिए निकली है। आवेदन इस भर्ती के लिए स्टार्ट होंगे 10 जुलाई 2023 से। लास्ट डेट 9 अगस्त 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 11 अगस्त है। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने की लास्ट डेट 13 अगस्त है और करेक्शन की डेट 15 से 17 अगस्त 2023 है। सैलरी 35,400 से 1,12,400 है लेवल 6 के अंतर्गत। ITI NCT डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 35, 37, 38 और 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपये है। SST जो झारखंड स्टेट के हैं उनके लिए 50 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। JSSC.NIC.IN की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5-4 लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यहाँ पर राजस्थान आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में, आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत भर्ती है। आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी MO की पोस्ट है। 652 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए भी आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 26 जून 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 जुलाई 2023 है। सैलरी लेवल 14 के अंतर्गत प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन आयुर्वेद से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 45 वर्ष आयु सीमा है। जनरल अनरिजर्व के लिए 600 रुपये फीस है, रिजर्व के लिए 400 है, दिव्यांग के लिए भी 400 रुपये फीस है। बिना परीक्षा के भर्ती है। मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। DSRRAU.info ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये थी आज के यानी कि 25 जून 2023 रविवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।